हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी बजे हैं दोपहर के 3:30। ब्रश वगैरह सब कुछ हो चुका है, करने जा रहे हैं काम, क्योंकि हमने 2 दिन से कोई काम छेड़ा नहीं है क्योंकि बर्थडे में उलझे थे। और पीटर को भी आज नहला दिया, तो ये फुल मस्त नी कर रहा है, हिटलर मारा। और ये लड़की स्टेटस देख रही है कि किसने देख लिया मेरा स्टेटस, है ना। तो अभी मुझे भूख लगी है तो मुझे नाश्ता खाना था, पड़ा अभी इस लड़की ने कुछ बनाया नहीं, सीधा दोपहर के लिए दाल बना रही है, बोला दोपहर में खाना खा लेना सीधा। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, जो हमारा कल का केक पड़ा है वही मैं खा जाऊंगी, शक जाऊंगी पूरा, क्यों वेस्ट करना। और ये तो है भी बहुत टेस्टी, मैं भी लूंगी बीच में। खा ले, हिटलर हो रहा है। टेस्ट मम्मा, टेस्ट खाएगी मम्मी। तो इस लड़की के पास कोई दूसरा काम नहीं है तो भैया के डंबल यहाँ से उठा के पागल वहाँ पे रख रही है। इतना भारी उठाने को किसने बोला तेरे को? क्योंकि भैया ने बोला मेरे को 10 मिनट बाद ना खाना खाना है, तो ये बोली मैं टाइम पास करने के लिए कुछ करूँ, भले इसके तेरे को नुकसान हो। सुन रही है, पागल यहाँ पर मामले लगता है, तेरे ही लगता है, मेरे तो लगता नहीं है। वो सीट कहाँ रखेगी फिर? और ये रहा आई। तो हमने खाना वगैरह तो कब से खा लिया, अब बच चुके हैं 7:30। अभी हमें जाना है थोड़ा सामान लेने, मेरे को भैया को, फिर भैया को जाना है अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने। तो देखते हैं, आशा है भैया को बिगाड़ दें, पूरा केक वेक लगा दें, लगता तो मुझे ऐसा ही है। ये रहा हिटलर, हिटलर पता है नॉर्मल पानी नहीं पीता, इसको चाहिए पानी में खीरा, तो दीदी का दुगश करके दे देते, ये पी लेता है। हमारे दोनों बच्चे, दोनों आंटी है। और मम्मी ये रही, मम्मी रात को क्या बनाएगी बेटा? सोयाबीन बना लेना। हाँ, इतना के लिए भाई भलखा मत बनाना, नहीं सिर्फ 2 जनों के लिए घर का नहीं, भैया नहीं खाते ना तरी, तो अपने तो खा सकते। मैं बना ली ना, प्लीज मेरे चावल वाल दी दो प्लेट। और इस बच्चे को लग रही बहुत ज्यादा गर्मी। तो अभी हमारा थोड़ा सा काम रह गया, सिर्फ स्टिकर वगैरह लगाने। और हम लोगों ने सोचा है कि भैया तो बाहर गए अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी देने उनको, तो हम लोग घर पे पार्टी करेंगे। हम मंगवा लेंगे एक पनीर का पैकेट, उससे ही खा लेंगे। और फिलहाल जो मम्मी ने 500 रुपए ना सेव करके रखे थे, वो भी लड़के देखने के, शायद भैया लेके गए हैं। कहीं भी रख देते हो? इस लड़की को यार मेरे पेट पर लात बच गई है ना मम्मी, मेरी भी बच गई, हम सबके पेट पे लात मार के गए भैया। भैया पनीर ले, पनीर के पैसे भी लेंगे, क्या चाहिए? दस रुपए निकाल जाऊंगी, चल हट, 10-10 रुपए थोड़ा लेके जाएंगे, बना ले तरी, तरी की जैसी है। तो दीदी ने जो पैसे संभाल करके थे 150-200 रुपए, उससे हम लेके आए हैं पनीर। तो ये लड़के भी खाना बनाएगी और मेरे को नहाना है, मैं 2 दिन से नहाई हूँ, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया है। कल मैं नहाई तो थी बट मैंने कपड़े नहीं चेंज किए, फिर अभी तो नहा के फिर लेके जाऊंगी उनको वॉक पे, पहले लगाऊंगी झाड़ू क्योंकि काफी गंद मचा पड़ा है, फिर कोई काम करेंगे। रात के बज चुके हैं 12 और हलीन और भैया गए हैं केक, एक सिरप खत्म हो चुकी वो लेने गए, और भैया गए थे बाहर पार्टी मनाने अपने फ्रेंड्स के साथ। और भैया से वहां भैया ने वहां पर मंगाई थी मिक्स वेजिटेबल और साथ में दाल, तो भैया से खाई नहीं गई, तो भैया ने हमें मिक्स, हाँ भैया ने हमें डस्टबिन समझ के हमारे लिए ले आए। ये है मिक्स वेजिटेबल चीज, जो अच्छी है जो अच्छी नहीं दिख रही है, और इसमें भैया बोल रहे हैं इसमें है दाल, तो मेरा तो इसी से ही हो जाएगा। बट मैंने आज बनाई अपनी फेवरेट सब्जी, मेरी पनीर की सब्जी, तो मैं तो खाने वाली थी, मम्मी और हलीन को दे दूंगी थोड़ा पनीर चौथा। और ये बच्चा आ चुका है क्योंकि हलीन गई है बाहर, इसको पता है हलीन के गए गए मैं खा लूं जितना हो सकता है, आ चुका है किचन में। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, अभी मैं खाना खाने जाऊंगी, यहाँ पे मेरी वीडियो ट्रांसफर होगी। पीटर तो उधर से एक दिन उस रूम में रख दिया है, मम्मी भी उस रूम में सो चुकी है, भैया भी अभी लगे हैं, भैया बोले जल्दी से जल्दी सो रहे क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत बिगड़ चुका है, हम कल भी 5 बजे तक जागते रहे, आज पर मैं जल्दी से जल्दी एडिटिंग करके 3:30 तक सोना चाहती हूँ, फिर मैं जल्दी थोड़ा उठ के फिर हमारा काम जल्दी हो, उसे दिन प्रोडक्टिव लगता है कि हाँ अपने जल्दी उठे थोड़ा, एकदम हम 5-6 बजे तो नहीं उठ सकते पर जल्दी से जल्दी उठ तो सकते हैं। पर फिलहाल खाना खा लूं, तो खाना वगैरह हो चुका है, आज मैं सोऊंगी यहाँ पे, कल मैं सो गई थी भैया के साथ उस बेड पे,
क्योंकि यहाँ पे ना बहुत चींटियों की प्रॉब्लम मम्मी बहुत ज्यादा है। आज नहीं, आज मैंने पता है जगह जगह ना सीमेंट लगा दी, यहाँ लगाया मैंने यहाँ लगाया कि आज मुझे कहीं चींटियां ना दिखे, और मुझे आज दिखी भी नहीं, तो इसलिए मैं नहीं जसूंगी। अभी बुला रहे हैं पीटर को, और पीटर के जख्म अभी भी है, लगा दे पीटर ट्यूब। तो मैं व्लॉग को आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।